हेलो स्टूडेंट, करते हैं क्लास ट्वेल्थ एक्सरसाइज 7.4 इंट्रीगल का। उसमें करने से पहले सिक्स फॉर्मूलेज हैं, इनको जरा देख लेते हैं। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होगा 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या x प्लस ए है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो सब कुछ सेम है, यहाँ x माइनस ए एक्स प्लस ए, ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो पता है हमें किसका फॉर्मूला होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन का होता है, तो 1/a, तो इसमें लग जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में आ गया, ठीक है, ये वाला बिना रूट के था, अभी रूट में आ गया, तो इसका हो जाएगा लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, ये वाला आ जाएगा प्लस सी। मतलब x लिखेंगे जो यहाँ पे होगा, और ये पूरा फिर लिख देंगे प्लस सी। उसके बाद dx रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बिना रूट के था, ये रूट वाला है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है, साइन इनवर्स x का dx करते थे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आता था, तो इसके हिसाब से क्या बन जाएगा इसका, साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, x अपॉन ये वाला a प्लस सी। dx रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग x लिखेंगे, और फिर ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस सी, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होंगे इसमें। करते हैं पहला क्वेश्चन 7.4 का, पहला और दूसरा। पहला है 3x स्क्वायर अपॉन x6 प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन करना है हमें, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें x6 है, लेकिन अगर हम x क्यूब को t पुट कर लें तो इसका डिफिनेशन करेंगे तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt ऐसा बन जाएगा, यानी x स्क्वायर dx बन जाएगा ऊपर, तो हम क्या करेंगे इसको बनाएंगे वैसा, तो 3x स्क्वायर dx अपॉन में इसको करेंगे x 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं 3 टू जो 6, तो ऐसा बना लेंगे, तो पुट कर लिया हमने, तो यहाँ पे चाहिए हमें एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू, तो डी टी है ये 3 कहाँ जाएगा अपॉन में, ये बन जाएगा, तो इसे वहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी अपॉन 3, तो 3 ये वाला 3 बाहर आएगा और ये 3 भी बाहर आएगा, और इसकी जगह आ जाएगा डी टी, 3 से 3 कैंसिल, एक्स क्यूब की जगह टी आ जाएगा, और स्क्वायर है टी का स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, मैंने इसमें लिख दिया है, ये कौन सा फॉर्मूला बना, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यानी ए प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये वाला बना, यानी 1/a टेन वर्स एक्स, तो कैसे बनाएंगे, 1/a, तो ए क्या है यहाँ पे 1, तो लिखेंगे 1/a यानी 1, फिर टेन इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, एक्स क्या है टी, तो टी अपॉन ए यानी 1 प्लस सी प्लस सी, अब वैल्यू डाल देंगे इसकी, 1 तो ऐसी रहेगा, टेन इनवर्स टी की जगह क्या था, टी की जगह था एक्स क्यूब, हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस सी, ठीक है, 1 की ज़रूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, ठीक है, इनवर्स, ये बन गया इसका फॉर्मूला, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन 2 देखते हैं, इंटीग्रेशन करना है हमें 1/√1 प्लस 4x स्क्वायर का dx का, तो इसे कैसे कर सकते हैं हम, 1/1 प्लस इसको लिख सकते हैं हम 2x का होल स्क्वायर अंडर रूट dx, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया है, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला बन गया, इसका फॉर्मूला क्या है, लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे, सीधा लगा देंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेना, फिर क्या करेंगे इसका, लॉग लॉग मॉड लगाया x, x क्या है यहाँ पे 2x, तो 2x लिखा, प्लस रूट रूट लिखा x का स्क्वायर, x क्या है 2x, 2x का स्क्वायर, प्लस a का स्क्वायर, a कितना है 1, 1 का स्क्वायर, और मोड लगा के प्लस c कर दिया। उसके बाद क्या करना है, अपॉन करना है, और इसका कोफिशियंट, x का कोफिशियंट जो भी होगा उसका डिफिनेशन करना है, यानी इसका डिफिनेशन करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो अब आ जाएगा आंसर log 2x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 मॉड प्लस सी अपॉन 2, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये ध्यान देना कि इसका डिफरेंशिएशन जरूर करना है और उसको लिखना है उसके नीचे।